Hello everyone and welcome to AD Education. I am Amit Dixit. इस समय जो आप देख रहे हैं वो है कोर्स 509 के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज. इस सीरीज में पहले के लेक्चर्स को नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं किसी भी कोर्स की आपकी, तो आप जरूर उसको देखें और अपनी बेस्ट तैयारी करें. लेक्चर जारी हैं और 508 कंप्लीट हो चुका है, 509 510 के लेक्चर चल रहे हैं तो आप जरूर देखें. और इसके अलावा अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं हमें फॉलो का बटन दबाकर. और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है उन्हें देखिए, आपको बेस्ट बेनिफिट रहेगा. आगे भी यहाँ पर काफी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो ये आप जरूर कर लें. और चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ. आज हम 509 के ब्लॉक 2 के यूनिट 5 के अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे. आज है 5.4.2 हमारा टारगेट, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे ये जो लेक्चर यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे. तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सामाजिक और राजनीतिक अधिगम के शैक्षणिक सिद्धांत हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो मैं पहले हाईलाइटर यहाँ पर आपके लिए चूज कर लेता हूँ सो दैट आई कैन हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. ओके, तो यहाँ पर ये है हमारा टॉपिक, यू कैन सी. तो यहाँ पर मूल रूप से देखिए ये बताया गया कि सामाजिक राजनीतिक जीवन के अधिगम की आवश्यकता एक परस्पर क्रिया और प्रायोगिक शैक्षिक स्थिति है. इसका मतलब ये है कि देखिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन को हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं और न ये केवल एक शिक्षा का विषय है बल्कि हमारी आवश्यकता भी है कहीं ना कहीं सीखने के लिए आम जीवन में भी. तो अधिगम बच्चे के दैनिक जीवन के कार्यों से जुड़ा होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है इस चीज को सिखाने के लिए. और बच्चे के सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों को भी और सामाजिक राजनीतिक जीवन से भी कनेक्टेड होना चाहिए. तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में राजनीतिक और सामाजिक जीवन के संबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो वो रिलेट कर सके आप पढ़ाते समय बच्चों को तो ज्यादा बेहतर होगा. इस क्षेत्र के अधिगम के लिए यहाँ पर उपयोग की गई शैक्षणिकता बच्चे की सृजनात्मकता जटिल समझ समस्या समाधान की योग्यता सुविधा प्रदान करती है. तो इस क्षेत्र के लिए देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है अगर उसमें और जो मुश्किल जटिल चीजें होती हैं उसको लेकर और उसकी एबिलिटी अच्छी है समझने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, तो ये चीजें इन सब्जेक्ट को समझने में कुछ ज्यादा मदद कर देती हैं बच्चों की. तो अगर ये है तो उनको काफी फायदा हो जाता है, एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है. अगला है यहाँ पर शिक्षक बाल केंद्रित होना चाहिए इस दिशा में जिससे बच्चा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में रहे. तो इन सब्जेक्ट को सिखाते समय वैसे तो सभी में है कि आप स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अपनाएं बाल केंद्रित पद्धति, तो इससे फायदा होता है. तो इन विषयों के संबंध में ये ध्यान रखें जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन आप पढ़ा रहे हैं. अब यहाँ हम क्रियाकलाप, आगे आपको क्रियाकलाप ही क्रियाकलाप मिलेंगे यहाँ पर, तो वो सिंपल है मैं आपको समझाता जाता हूँ आप समझते जाइए. यहाँ पर कैसे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अधिगम एक क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम का अनुकरण करता है, तो ये बताएंगे यहाँ पर कैसे हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें टॉपिक क्रियाकलापों के माध्यम से सीख सकते हैं. तो यहाँ आपको क्रियाकलाप देखने मिलेंगे. तो जैसे एक क्रियाकलाप है पहले नंबर का, ये देख सकते हैं अच्छी सामाजिक आदतों पर एक क्रियाकलाप आधारित एक्टिविटी तैयार करनी है. अब इसमें क्या करना है, एक कक्षा आधारित क्रियाकलाप होगा ये, और क्रियाकलाप का उद्देश्य होगा बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना और बुरी आदतों को हटाना या उसका उन्मूलन करना. तो कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए बिल्कुल उसकी ही प्रोसेस बताई गई है, मैं कुछ समझा दूंगा बाकी एग्जाम्पल्स हैं आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगा आपको. तो कक्षा 4 का, माफ कीजिएगा 6 का ये विषय है और अधिगम क्षेत्र इसका रहेगा सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का क्षेत्र इसका रहेगा राजनीतिक और सामाजिक जीवन को समझाना. तो ये तो हमारा टॉपिक ही है. अधिगम की विषय वस्तु क्या रहेगी, अच्छी सामाजिक आदतें सिखाना. तो हम ये लेकर चल रहे हैं कि हमें ये इस क्रियाकलाप इस एक्टिविटी के जरिए सिखाना है. अगला है मुख्य अधिगम उद्देश्य का रहेगा बच्चों में अच्छी आदतों का विकास और बुरी आदतों को दूर करना. अगला है यहाँ पर आवश्यक सामग्री क्या होगी, क्या हमारी पद्धति अपनाएंगे, कैसे टेक्निक होगी, क्या रचना होगी हमारी व्यू रचना, क्या कौन सी व्यक्ति यहाँ पर विधि रहेगी, वो है व्यक्तिगत विधि. तो अब यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिया गया है, यहाँ अलग अलग आदतों के बारे में बताया गया है. यू कैन सी ये सभी अच्छी आदतें और बुरी आदतों के चित्रण के बारे में बताया गया है. और यहाँ पर क्रियाकलाप का अनुकरण कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इस क्रियाकलाप में बच्चे इस प्रकार मार्गदर्शित करें कि बच्चों ऊपर दिए चित्रों में से अच्छी और गलत आदतों पर सही गलत का निशान लगा दें देखकर. ओके, ये एक्टिविटी है बस और कुछ नहीं है यहाँ पर. और इससे क्या होगा, अधिगम का जो कार्य है इस करते समय शिक्षक इस प्रकार मार्गदर्शन करे, तो कैसे मार्गदर्शन करेगा शिक्षक, कहे बच्चों से कि एक अच्छी सामाजिक आदतों पर एक कहानी लिखकर बताइए, उसके बाद बुरी के प्रभाव पर एक निबंध लिखिए, अच्छी आदतों के
चित्र तैयार कीजिए और इसी तरह से बुरी की सूची बनाइए, अच्छी की सूची बनाइए और अध्यापक को दीजिए। तो ये पूरी एक्टिविटी आप देखिए कैसे डिजाइन हो रही है यहाँ पर, ये बताया गया। आगे यहाँ पर बताया गया तो अगला है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सामाजिक राजनीतिक जीवन के पहलुओं के अधिगम के लिए पाठ योजना विकसित करना। तो यहाँ इस टॉपिक में केवल पाठ योजना बताई गई है जो आप भी कई बार बना चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या है यहाँ पर एक डिस्कस करके, बाकी एग्जाम्पल है आप समझ सकते हैं। तो इस पाठ योजना में क्या है, सिक्स क्लास के भारत में विभिन्नता और एकता, ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, इसको लेकर एक पाठ योजना तैयार करनी है इसका बेस लेते हुए। तो सबसे पहले देखिए पाठ का संदर्भ क्या लिया गया है, कक्षा 6 का ये है, अधिगम क्षेत्र इसमें भी हमने डिफाइन किया तो वही होगा सामाजिक राजनीतिक जीवन क्योंकि यही पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद प्रकरण ये है हमारा कि भारत में विभिन्नता और एकता को प्रतिपादित करना, उसको दिखाना। तो समय दिया गया है, एक लेक्चर लगेगा इसमें और एक अधिगम उपागम जो रहेगा इसको सिखाने का वो अप्रोच रहेगी संरचनात्मक उपागम। तो ये हमने पाठ योजना में हम यही करते हैं कि क्या हमको करना है ये सबसे पहले डिफाइन करते हैं और एक मोटा मोटा अंदाजा दे देते हैं। उसके बाद शुरू होता है पाठ का उद्देश्य। तो पाठ योजना में पाठ के उद्देश्य क्या रहेंगे, हमको क्या क्या सिखाना है वो यहाँ डिफाइन किए गए हैं। इससे संबंधित प्रचलित विभिन्न विभिन्नताओं के बारे में सिखाना है, उसके कारणों की व्याख्या करनी है, भारतीयों की एकता के आधार के बारे में बात करनी है, सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्रण करना है और भारतीय संदर्भ में विभिन्नता में एकता के दर्शन होते हैं ये भी हमको बताना है। तो ये कुछ उद्देश्य लेके चलते हैं हम पाठ योजना बनाते समय, वो यहां बताए गए हैं। उसके बाद डिफाइन करते हैं अधिगम विधियां, कौन सी विधि से पढ़ाया जाएगा। तो यहां मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संरचनात्मक उपागम को के तरीके से पढ़ाया जाएगा यहां पर और ये विधि अपनाई जाएगी जो आप सभी को पता होना चाहिए। इस पाठ में प्रस्तुत करने में शिक्षक जिस विधि का अनुकरण करेगा वह नीचे शीर्षकों के अंतर्गत दी गई है। तो देखिए यहां पर प्रकरण दिया गया है, सबसे पहले ये एक तस्वीर दी गई है यहां पर और इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं मंदिर मस्जिद वगैरह हैं। तो ये एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे हम, विविधताओं को ये दर्शाता है कि कितने धर्म के लोग हैं हमारे यहां। उसके बाद यहां पर ये बॉक्स में क्रियाकलाप शिक्षक और उनके विद्यार्थियों के जवाब, तो इन चित्रों में अंतर करें, ऊपर जो बॉक्स दिया गया है उसके आधार पर ये एक्टिविटी यहां पर कराई जा रही है कि क्या चित्रों में अंतर कर पाते हैं, कैसे धर्म के चित्रों के अंतर यहां पर दिए गए हैं, क्या ये चित्र एक धर्म से संबंधित हैं, तो उसके हां या ना में जवाब देने जिससे हमें ये सिखाने में बच्चों को मदद हो जाती है। तो प्रकरण की उद्घोषणा क्या है, बच्चों की चर्चा के बाद यहां पर उसे उन्हें कई तरह के पहलुओं के बारे में समझाना, प्रस्तुतिकरण क्या है, शिक्षक में भारत में विभिन्नता और एकता के पहलुओं की चर्चा और उनकी तकनीकों का अनुकरण करके उनसे डिस्कशन करता है। उसके बाद और आगे कुछ चीजें यहां दी गई हैं, देखिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो विविधता दर्शाई गई है वो मौसम संबंधी है, मतलब पर्यावरण संबंधी। ये देखिए गर्मी सर्दी बरसात, ये भी विविधता हमारे देश में मिलती है, तो उसके बारे में ये फिर से बॉक्स दिया गया है। उसके बारे में चारों दृश्यों के बारे में ये विद्यार्थी अपने प्रश्न, शिक्षक प्रश्न जो पूछेगा उसके जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ उसका। और यहाँ पर आगे फिर से एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ देखिए अब ये कोई खेती करता है, मतलब यहाँ पर अलग अलग साधन है, अलग अलग जो चीजें हैं यहाँ पर विविधताओं के बारे में वो यहाँ पर बताई गई, कैसे काम को लेकर विविधता है हमारे यहाँ पर, तो वही सीधा नीचे बॉक्स दिया गया है और बताया गया है। अब संरचनात्मक अधिगम परस्पर क्रिया यहाँ पर फिर से वही दिखाई गई है, देखिए बच्चे निम्न प्रकार से विविधताएं करते हैं, हम किस और किस प्रकार की विविधता भारत में खोज सकते हैं, तो विद्यार्थी जो क्रियाकलाप से समझेंगे जाति धर्म संस्कृति भोजन पहनावा जो हमने ऊपर हिंट भी दिया उनको, और इसके आधार पर बताएंगे कौन कौन सी जातियां हैं, तो इसको इसका विश्लेषण भारतीय लोगों के बीच भाषा संबंधी और धर्म के आधार पर झगड़े आदि को देखा गया है, इस प्रकार के झगड़े क्यों होते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे विद्यार्थी, इसके बारे में लिखेंगे, एक विस्तृत और विविधता वाला राष्ट्र है हमारा देश और ये सब यहाँ पर बताया गया है, ये वरदान है या अभिशाप है, तो इसके बारे में कोई निबंध लिखवा सकते हैं। तो ये एक पैटर्न बताया गया कि आप कैसे एक्टिविटी को और पाठ योजना को करवाने के लिए आप पैटर्न अपना रहे हैं और उससे एक टॉपिक को समझा रहे हैं, तो वो यही बताया गया है यहाँ पर। और ये डायग्राम है, यहाँ पर भी देखिए डायग्राम में भी भारत के नक्शे में मंदिर और जो लोगों की विविधता है धर्म की विविधता है वो दर्शाई गई है। तो बेसिकली ये सब क्रियाकलाप का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, पाठ योजना के अंतर्गत ये रचनात्मक विधि हम बता रहे हैं कि डायग्राम्स के जरिए पिक्चर्स के जरिए कई तरह की विविधता को दर्शा रहे हैं और विद्यार्थियों से उसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं और वो समझते जा रहे हैं कि जो विविधता है वो कैसे है देश में और उसके बारे में यहाँ पर ये पूरा दिया गया है। तो ये बिल्कुल आप पढ़ेंगे, बस एक एक्सपेरिमेंट है, एक पाठ योजना के तहत ये चीज बताई गई है और बिल्कुल भी इसमें यहां पर कुछ नहीं है, तो यही चीज यहां पर बताई गई है। मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो
विद्यार्थियों को काम दे सकते हैं। ये सब दिखाने के बाद और समझाने के बाद जब वो कर लें तो प्रमुख त्योहारों की सूची बनाने को कहिए उनसे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के समूह में लोगों में एकता के पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर टिप्पणी दीजिए। अपने गांव पड़ोस में जाइए, मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपने भी ये पाठ योजना तैयार की होगी जब आपने अपने असाइनमेंट बनाए थे तो असाइनमेंट के टाइम पर और WBA में, तो ये आपको अच्छे से पता है। तो बस इस तरह से ये यहाँ पर दिया गया है और यही है यहाँ पर। तो पाठ योजना का डिस्क्रिप्शन था, मैंने एक बार आपको आइडिया दे दिया। आप सभी शिक्षक हैं तो इतना कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ ये यूनिट हमने यहाँ पर खत्म कर दी है और अब हम नेक्स्ट यूनिट में अगली लेक्चर से बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे लेक्चर आगे जारी रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको लाइक शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी बेहतर तैयारी करें। सभी लेक्चर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है तो कंप्लीट कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए अनअकैडमी पर जुड़िए, इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फॉलो का बटन दबाइए और आपके लिए जो कोर्स है यहाँ पर, इसमें जाकर आप 508 से लेकर 510 के सभी लेक्चर्स देख सकते हैं जो MCQ से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।